शनिवार को यशोधरा नगर थाना अंतर्गत कामठी रोड ईट भट्टा चौक के पास हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें हत्या करने के बाद शराबी ने खुद थाने पहुंचकर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। यह वारदात गाली गलौज के कारण हुई है, ऐसी भी जानकारी है। बुधवार को दिन दहाड़े कामठी रोड स्थित ईट भट्टी चौक के पास एक शराबी ने थाने पहुंचकर खुद हत्या करने की बात कबूल की। दरअसल मृतक प्रकाश लल्लू धकाते विनोबा भावे नगर निवासी है, जबकि आरोपी सतीश पांडुरंग मुले धम्मदीप नगर निवासी है। बुधवार को दोपहर करीब 2:45 के दौरान कामठी रोड ईटा भट्टा चौक के पास मैदान में सतीश शराब पी रहा था। वहां पर प्रकाश भी आ धमका। सतीश को शराब पीते देख प्रकाश ने उसे शराब मांगी, लेकिन सतीश ने मना कर दिया और इसी बात को लेकर हुए विवाद में प्रकाश ने सतीश से गाली गलौज की। तैश में आए सतीश ने वहीं पर पड़ा पत्थर उठाया और प्रकाश के सिर पर दे मारा, फिर उसका सिर पत्थर से बेरहमी से कुचल दिया। बाद में सतीश नशे की हालत में ही समीप स्थित यशोधरा नगर थाने पहुंचा और वरिष्ठ निरीक्षक विश्वनाथ चौहान और थाने में मौजूद अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को हत्या करने की बात कबूल की। एक अनोळखी इसम पॉलिटिशियनला येऊन त्यांनी एका इसमास दारूच्या नशेमध्ये त्याच्या आईवरून शिवीगाळ केल्यामुळे मारहाण केल्याचे त्यांनी स्वतःहून सांगितले। घटनेची शहनिशा करण्याकरिता घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता एक अनोळखी इसम जखमी अवस्थेत पडून होता। अनोळखी इसमास उपचारासाठी मेडिकल हॉस्पिटल येथे पाठवण्यात आले। दरम्यान अनोळखी इसम हा उपचार पूर्वीच मयत झाल्याने त्याची ओळख पटवण्यासाठी हद्दीमध्ये त्याचा शोध घेत असताना नातेवाईक विनोबावनगर येथे मिळून आले। मयताचे नाव प्रकाश लल्लू धकाते वय 27 वर्षे असल्याचे खात्री झालेली आहे। ज्या इसमानी मारलेला आहे तो इसम सध्या पोलिसाच्या ताब्यात असून पुढील कारवाई चालू आहे। इस दौरान पुलिस तुरंत सतीश के बताए स्थान पर पहुंची तो प्रकाश बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ दिखाई दिया। तत्काल उसे मेयो अस्पताल रवाना किया गया, जहां उपचार के दौरान कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। गौरतलब रहे कि प्रकाश भी शराब का आदी था और उसकी हरकतों से भाई और माँ भी बहुत त्रस्त थी। फिलहाल मामला दर्ज कर सतीश को गिरफ्तार किया गया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।